हेलो गाइस, आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, ये बहुत ही अल्टीमेट मैच होने वाला है, क्योंकि इसमें इसलिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान को हराया है उसके कारण जो 3 मैच की जो सीरीज थी जो इंग्लैंड ने जीती है उसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी इस मैच में बहुत जीत हासिल करनी पड़ेगी इस T20 मैच में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये जैसा कि कहा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं कौन कौन हम टीम में रखेंगे, क्योंकि देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑप्शन जैसे विकेट कीपर ही है हमारे, देखिएगा जो ओपन करने वाले विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आजकल। इनके T20 रिकॉर्ड देखे तो लास्ट मैच में भी इन्होंने 92 मारे थे रन, तो बहुत अच्छा इनका सीरीज का है। तो एक अगर हमें अपनी टीम बनानी है तो एक सबसे पहले तो हमें एक जो कॉम्बिनेशन है टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा अगर हम विकेट कीपर में से ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मोहम्मद रिजवान हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए, और ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाए जा सकते हैं जैसे इनकी फॉर्म चल रही है, जिसके कारण हम इन्हें वाइस कैप्टन और कैप्टन का भी ऑप्शन हम इन्हें दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा अब हमारे पास जॉनी बैस्ट्रो हैं और सरफराज अहमद और जॉर्ज बटलर। तो आई थिंक आप जानते हैं जॉनी बैस्ट्रो और जॉर्ज बटलर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और जॉर्ज बटलर जो हैं जो ओपन करेंगे जैसन रॉय के साथ, बहुत ही बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन बस ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो क्रेडिट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें टीम बनानी पड़ेगी। तो इस मैच के लिए जो मैं सेलेक्ट करूंगा, जो ये इंग्लैंड में ही हो रहा है ये मैच T20 मैच, जो कुछ ही आफ्टर दैट 2 आवर्स के बाद स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही मिनटों के आप कुछ ही घंटे हैं आपके पास, आई थिंक 1.5 आवर रह गया है हमारे मैच को। तो जॉर्ज बटलर को भी मैं अपनी टीम में शामिल करने वाला हूँ और जॉनी बैस्ट्रो को भी लेता हूँ। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप जॉनी बैस्ट्रो को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, जॉर्ज बटलर और रिजवान ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ जॉनी बैस्ट्रो को भी और जॉर्ज बटलर। मैं 3 विकेटकीपर, तीनों की परफॉर्मेंस अगर आप लास्ट 5 मैचेस में देखें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है। अगर इनका बैट चले तो अच्छे रन बनेंगे T20 में। देखते हैं बैट्समैन हम कौन कौन सेलेक्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट पॉइंट। देखिए बाबर आजम आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन और चॉइस रहेंगे, जो बाबर आजम जो आपके फर्स्ट राउंड जो आएंगे वो बाबर आजम आएंगे। देन आपके मोहम्मद हफीज भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए सेलेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट पॉइंट के चक्कर में नहीं ले सकता। एन मॉर्गन हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इन्हें भी जैसन रॉय को आप ले सकते हैं अपनी टीम में। जैसन रॉय बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और अगर ये चल पड़े तो बहुत अच्छे रन बनने वाले हैं इंग्लैंड के। और डेविड मलन, डी मलन जो ऑप्शन है जो मिडिल में, अगर मान लीजिए रॉय नहीं चले तो हमारा जो ऑप्शन जाता है मिडिल का ऑप्शन जाता है तो बैस्ट्रो के पास जाएगा और मेलन के पास जाएगा। तो हमें जो सेलेक्ट करना पड़ेगा मेलन को आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शंस को, अगर आपको अपनी टीम को बीच में रोक के चलना। मान लीजिए ऑप्शंस हमारे पास जो ड्रीम 11 में इंग्लैंड की टीम अगर स्टार्टिंग के विकेट खोती है तो मलन हमारे अच्छे खासे ऑप्शंस रहेंगे। तो देखिएगा जो क्रेडिट पॉइंट है वो भी हमारे पास, फखर जमान बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, फखर जमान भी, शादाब खान, मकसूद, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फखर जमान को ले सकते हैं और मलन को हटा दें, या आप एन मॉर्गन को ले लें, मोहम्मद हफीज को ले लें, जैसन रॉय को हटा दें, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। आप देखिएगा आपके क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग, अभी हम देखेंगे हमारे क्रेडिट पॉइंट पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है। सेकेंड, अब अगर आप ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर में हम देखते हैं शादाब खान इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस मैच। शादाब खान इज द बेस्ट चॉइस। इमद वासीम भी बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अभी हम इन्हें रोकते हैं। फरहान अशरफ भी बहुत सही चल रहे हैं। मोहम्मद अली को भी हम इसमें छोड़ते हैं और मोहम्मद वासीम। अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन है, आप लाइविंगस्टोन को लेते हैं या ग्रेगरी को लेते हैं, तो 2 ऑप्शन से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दोनों ही ऑलराउंडर बढ़िया हैं और विकेट परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक मैं जाऊंगा इनके पास।
एंड द लास्ट ऑप्शन इज द बॉलर. देखिएगा टीम आपकी अपनी है, आपकी चॉइस से बन रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपके इस मैच में, क्योंकि ये मैच आपका इंग्लैंड में खेला जा रहा है, तो इसलिए मैं इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैच को मैच के खिलाड़ी ज्यादा लेता हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ, और पाकिस्तान के कम खिलाड़ी इसमें लेता हूँ. लेकिन बॉलर्स पाकिस्तान में बहुत बढ़िया है, जस्ट लाइक एच अली बहुत बढ़िया चल रहे हैं आजकल. देखिएगा 73 पॉइंट सिलेक्शन है इसके, और बहुत लोगों ने शायद अफरीदी भी आप ले सकते हैं, अफरीदी भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हमारे पास क्रेडिट पॉइंट कम रहेंगे. अब्दुल राशिद खान राशिद भी ले सकते हैं. एच रूफ बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन फॉर, अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, और इनको अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं परेशानी होगी. जॉर्डन आप देखते होंगे लास्ट ओवर में, डेथ ओवर्स में अगर आप देखें तो जॉर्डन बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम डेथ ओवर्स की बात नहीं कर रहे हैं. अब हमारे पास डेथ ओवर्स में अगर आपको जॉर्डन लेना है तो जॉर्डन ले सकते हैं इंग्लैंड से. देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो मैं लेना चाहूंगा जॉर्डन को यहाँ पे, जॉर्डन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि डेथ ओवर्स में ये विकेट निकाल लेते हैं, और दैट्स द होल टीम फॉर टुडे. आज के मैच के लिए बहुत बेस्ट टीम बनी हुई है. अगर आप देखें इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन मिलते हैं. कैप्टन और वाइस कैप्टन में आप रिजवान को भी ले सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, जॉर्ज बटलर, जॉनी बेस्ट्रो, आप जो भी आप ऑप्शन लेना चाहेंगे वो आप ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे. आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बाबर आजम को. देखिएगा 22% लोगों ने कैप्टन ऑप्ट करा है, लेकिन मैं बाबर आजम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको किसी ना किसी को लेके. तो मैं यहाँ पे जॉर्ज बटलर, एक्चुअली जो जैसन रॉय इज द वाइस कैप्टन ऑप्ट करता हूं, और मोहम्मद रिजवान को यहाँ पे कैप्टनशिप प्रोवाइड करता हूं. तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टुडे, और दैट इज द सेफ टीम हमने कर दी है, और ये आपकी सेफ टीम हो चुकी है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपको जल्द से जल्द आपको अच्छी टीम मिलेगी ड्रीम 11 पे. ये बहुत दैट्स माय फर्स्ट वीडियो आई थिंक, मैंने जो एनालिसिस करा उसके अकॉर्डिंग जो मेरी मैंने बहुत सारे मैचेस जीत रखे हैं ड्रीम 11 पे, तो उनमें से मैंने सेलेक्ट करके ये टीम डिसाइड करी है, बनाई है, तो आप जरूर इसका यूज करें. थैंक यू.